वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। मिशन क्लासेस पॉइंट में आप सभी के लिए हार्दिक अभिनंदन। और आज हम मॉडल सेट का क्वेश्चन लेके हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के सामने मैं डिस्कस कर रहा हूं। तो आप देखो फ्रेंड, मैं ये क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस कर रहा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, मॉडल सेट का ये 9 नंबर का क्वेश्चन है। किसी बेलन का व्यास 42 सेमी तथा ऊंचाई 10 सेमी है, तो इसका आयतन ज्ञात करें। और इसमें मेरा 2 नंबर आ रहा, और ये क्वेश्चन बार बार एग्ज़ाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, सो डैट मैं इसे लेके आया। और आई होप आप लोगों को मैं बहुत अच्छी तरीके, देखो तो हम लोग क्वेश्चन पे आ गए हैं। किसी बेलन के आधार का व्यास इतना है, तो उसका त्रिज्या हम ज्ञात करेंगे। तब आप लोग हम जान लेते हैं कि बेलन क्या होता है। अब एक्चुअली में जो बेलन होता है उसका फुल माप दिया गया है 42। ओके फ्रेंड, 42 सेमी दिया गया है, तो हम उसका क्या कर लेते हैं, तो हम लिख देते हैं बेलन का त्रिज्या। देखो फ्रेंड, मैंने बेलन का त्रिज्या 42 सेमी है, इसे मैं 2 से क्लियरेट कर दिया तो 21 आ गया। कि देखो जैसे कोई ये एक ये वस्तु है, ओके फ्रेंड, इसे मैं 2 जगह कैंसिल आउट करूँगा, तो इसे हम 2 से डिवाइड करते हैं। इसी तरीके प्रकार से हम बेलन को 50-50 कर लिए हैं। बेलन का आयतन का फॉर्मूला ये होता है, बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर बटे एच। तो पाई का मान तो आप लोग जानते हो कितना होता है, 22/7 होता है फ्रेंड। और आर स्क्वायर मेरा कितना है, तो आर स्क्वायर में 21 जो हम यहाँ निकाले हैं ये ले लेते हैं। ओके फ्रेंड, तो हम क्या करते हैं 21 स्क्वायर। ओके फ्रेंड, तो उसके बाद क्या है, ये 10 सेमी हाई बेलन का हाइट है, 10 सेमी इसका क्या है ऊँचाई है, हाइट है, ये है मेरा हाइट, तो हम यहाँ कर देंगे 10 सेमी। ओके फ्रेंड, तो आज मैं इसे हल कर रहा हूँ, और आप लोग देखो पाई आर स्क्वायर होता है 22 कर देंगे तो हम 22 कर दिए। ओके फ्रेंड, तो 21 का स्क्वायर जब निकालोगे आप, 21 का जब स्क्वायर निकालोगे तो 441 होगा। ओके फ्रेंड, और गुना हम 10 करते हैं। ओके, गुना 10 कर दिए और मेरा यहाँ आ गया 27th आ गया। क्या फ्रेंड आ गया 7th। तो यहाँ आप देख लो, ये सब को आप मल्टीप्लाई करोगे तो सारा का मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा आपको फ्रेंड ये आ जाएगा। ये आप मल्टीप्लाई करके आप लोग देख सकते हो 97020 आ रहा है। ओके फ्रेंड, और अब आपका 22/7 आ रहा है। जब इसे आप क्लियर करोगे तो आपका आ जाएगा 13860 आ जाएगा फ्रेंड। इसे जब आप कैंसिल करोगे 13860 आ रहा फ्रेंड। ओके फ्रेंड, तो ये आप लोग देख लो, इसका आंसर आ गया 13860 सेंटीमीटर, ये आपका निकल रहा है ये, और आपका ये आंसर हो गया। आई होप आप लोग समझ गए होगे, नहीं समझ रहे हो तो फटाफट एक बार हम देख लेते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन, किसी बेलन के आधार का व्यास कितना है, 42 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन क्या होगा। तो ये इसका त्रिज्या निकाल लेते हैं, इसको आधा आधा कर दिए यानी क्लियर कर दिए, 21 आ गया। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर का 22/7 तो 21 का जो हम डबल करते हैं तो 441 होता है, 10 होता है। आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आ जाएगा, इसको जब हम आप 7 से डिवाइडेड करोगे तो आपका ये आंसर। और आई होप आप लोग का 2 नंबर मैंने कंप्लीट करवा दिया, और ये क्वेश्चन तो 2021 में नेसेसरी आएगा। आई होप आप लोग समझ गए। थैंक फॉर वॉचिंग वीडियो दोस्तों, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट कर सकते हैं। थैंक फॉर